नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ, बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अपने टॉपिक, जो कि हमारा पूर्व से चल रहा है, इंडियन मिनरल वेल्थ पर, भारतीय खनिज सभ्यता पर। और इस क्रम में हमने खनिजों के धात्विक व अधात्विक खनिजों पर विस्तार से पूर्व के वीडियो में चर्चा की हुई है। आज हम बात करते हैं पावर रिसोर्स की, या ऊर्जा के संसाधन की। ऊर्जा के संसाधन के क्रम में जिन संसाधनों का प्रयोग हम उद्योगों में मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू काम के लिए करते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। और इस क्रम में आज के युग में ऊर्जा के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं, उनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूताप, लकड़ी एवं ज्वारीय शक्ति प्रमुख हैं। संसाधनों की दृष्टि से इनमें हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत को औद्योगिक ऊर्जा के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। और आज पहले चर्चा करते हैं कोल या कोयला पर। कोयले का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, विद्वानों का विचार है कि प्राचीन वनस्पति का यह परिवर्तित रूप है। कोयले के निर्माण का कार्य लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में हुआ। उस समय पृथ्वी की जलवायु अत्यंत उष्ण तथा आर्द्र थी और अधिकांश क्षेत्रों में दलदल पाए जाते थे, जिनमें घने वन उगे हुए थे। यह वनस्पति उस दलदल में गल सड़कर मिल जाती थी। इस प्रकार इन क्षेत्रों में लगातार वनस्पति जमा होती रही और नीचे की वनस्पति ऊपर की दलदल तथा वनस्पति में दबती गई। इस दबाव के कारण वनस्पति में से पानी निकल गया और उसमें कार्बन उत्पन्न हो गई। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से इस दबी हुई वनस्पति में कई रासायनिक परिवर्तन हुए और फिर इसने कोयले का रूप धारण कर लिया। यह वनस्पति जितनी अधिक अवधि तक दबी रही, उतना ही बढ़िया कोयला बना, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक थी। कार्बन की मात्रा पर ही कोयले के जलने की शक्ति निर्भर करती है। कार्बोनिफेरस युग के बाद कोयले का निर्माण जुरासिक युग, क्रिटेशियस युग तथा टर्शियरी युग में भी हुआ। कार्बन की मात्रा आर्द्रता के आधार पर कोयले को निम्न प्रकारों में बांटा जाता है। सर्वोत्तम है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 92% तक है। दूसरा है विटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 40-80% के आसपास है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 40-55%। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 35-55% होती है। नमी के आधार पर इनमें ऊर्जा देने की क्षमता भिन्न भिन्न हो जाती है। सबसे प्रमुख कोयले के रूप में एंथ्रासाइट और विटुमिनस माने जाते हैं। संचित राशि की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के सर्वे में भारत में जो संचित राशि मानी गई, उसके क्रम में इसको 7वां स्थान विश्व में मिला। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत के कोयले क्षेत्रों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा टर्शियरी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कोयले की कुल संचित राशि का 98% तथा कुल उत्पादन का 99% गोंडवाना कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। भारत में कुल 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 गोंडवाना क्षेत्र में है। ये क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र राज्यों में वितरित है। इनमें यह कोयला मुख्यतः नदी घाटियों में पाया जाता है।
टर्सरी कोयला क्षेत्र मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में मिलता है। संचित राशि, उत्पादन तथा गुणवत्ता की दृष्टि से इसका उतना महत्व नहीं है। इस श्रेणी की संचित राशि भारत में केवल 2% तथा उत्पादन केवल 1% है और इसमें लिग्नाइट कोयला प्रमुख रूप से आता है। भारत में कोयले का जो उत्पादन है, इसकी पहली खान भारत में 1774 में खोदी गई थी। कोयले उत्पादन में सन 1900 तक कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इसके पश्चात भारत में कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। सन 1900 में कोयले का उत्पादन केवल 60 लाख टन था, जो 14 में बढ़कर के 1914 में 160 लाख टन हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोयले की मांग बढ़ी और उत्पादन में और भी वृद्धि हो गई। सन 1945 में 290 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ था। वितरण की दृष्टि से बात करें तो भारत में कोयले का वितरण असमान है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिलकर भारत के कुल उत्पादन का 3/4 कोयला पैदा करते हैं। वितरण में झारखंड में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं और यह राज्य समस्त भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। इस राज्य में 28% से अधिक कोयला भंडार हैं। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र झरिया, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा, गिरडीह, छत आदि हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र और सरगुजा जिले में विश्रामपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ के जिले इसमें सम्मिलित हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में यह राज्य भारत का लगभग 17% कोयला पैदा करता है। अधिकांश कोयले के भंडार जो हैं धनकनाल, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल प्रमुख उत्पादक राज्यों में आते हैं। आंध्र प्रदेश में भारत के कुल कोयला भंडारों का लगभग 7% भाग है। इस राज्य में का कोयला गोदावरी नदी की घाटी में पाया जाता है। तेलंगाना के आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मान तथा शेष आंध्र के पश्चिमी गोदावरी मुख्य उत्पादक हैं। मध्य प्रदेश में शहडोल तथा सीधी जिलों में सिंगरौली कोयला क्षेत्र प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र सुहागपुर है। पश्चिम बंगाल लगभग 10% कोयले के भंडार। यह राज्य देश के 6% कोयले का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा झारखंड के बाद कोयला क्षेत्र वर्धमान, पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों में विस्तृत है। रानीगंज भारत के कोयला उत्पादन का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ पर 200 वर्षों से अधिक समय तक कोयला निकाला जाता रहा, फिर भी यह भारत का महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अन्य उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय आदि हैं। महाराष्ट्र का अधिकांश कोयला वर्धा घाटी में मिलता है। बात करें लिग्नाइट कोयले की तो यह घटिया किस्म का कोयला अपेक्षाकृत माना जाता है। इसमें नमी अधिक और कार्बन अंश कम, ऊष्मा कम होती है। यह राख और धुआं अधिक देता है। इसकी उत्पत्ति का जो क्रम है, यह विद्युत घरों में इसका उपयोग करते हैं। तमिलनाडु में यह भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट का उत्पादक है। इस लिग्नाइट के भंडार जो यहाँ पर मिले हैं वो मुख्य रूप से त्रिची जिले में पाए जाते हैं। मन्नारगुड़ी, वीरा नाम के पूर्वी क्षेत्र में क्रमशः इसके भंडार मिले हैं। निवेली में लिग्नाइट के भंडारों का खनन निवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड
द्वारा किया जाता है। राजस्थान में भी इसके भंडार हैं। यहाँ बीकानेर ज़िले की पालना नामक स्थान पर लिग्नाइट का किस्म का कोयला मिलता है, अपेक्षाकृत यह घटिया है। जम्मू कश्मीर में टर्सरी युग की चट्टानों में इसके भंडार मिलते हैं। यहाँ कोयले की खानें पूंछ, वीरपुर, रियासी और ऊधमपुर ज़िलों में मिलती हैं। तो यह कोयले का एक वितरण स्वरूप भारत के दृष्टिकोण से, भारत के क्रम में मानचित्र पर इनका स्थान दिया हुआ है। आप इसे देखें, आज के युग में उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भी संसाधन हैं ऊर्जा के, उनमें कोयला एक प्रमुख रूप रखता रहा है और अभी भी अपने उत्पादन के साथ में इसका स्थान प्रमुख है। धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में हम अन्य ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करेंगे।